नमस्कार, आपण माने देखुचंती आंचलिक संवाद रे संध्या खबर। आजि संध्या रे खबर नै मु आपण मानकर उपस्थापिका ज्योति रेखा। आउ देरी न करि नजर पकाइबा आजि संध्या रे खबर उपरे। आजि रे सामाजिक जीवन दुर्बिसह होई पडिथवा बेले मानसिक स्थिति जटिल। सेही कारण रु समाज आजि मनुष्य आत्मविश्वासहीन होई पडिछि। सामाजिक जीवन को सुसहत करबा को हेले आध्यात्मिक चेतना को जागृत करबा जरूरी। समस्या को विचार करी बुद्धिजीवी माने चिंतन कले मंदिर कले ही समाज सुंदर होई पारिबो बोली आज सांबादिक गौरव श्री प्रसाद पांड्या 96वां जयंती समारोह अवसर रे एही मत प्रकाश पाइछि। जयंती समारोह अवसर रे सांबादिक भवन ठारे आयोजित सांप्रतिक समाज मानसिक स्थिति ओ आध्यात्मिकता शीर्षक एक आलोचना रे विश्वत्मा चेतना परिषद आनंद निकेतन खुजनपाली बलांगीर प्रतिष्ठाता स्वामी श्री सत्यप्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज श्री तपोवन आश्रम बिछुपाली बलांगीर प्रतिष्ठाता स्वामी श्री तेजमयानंद सरस्वती वक्ता भाव जोगदे सांबादिक गौरव श्री प्रसाद पांड्या संघर्षमय जीवन रे समाज तलस्तर लोकंक समर्पित मानसिकता को स्मरण करथिले। एही अवसर रे पद्मश्री पुरस्कार मनोनीत विशिष्ट शिक्षाविद और गवेषक श्रीयुक्त नरसिंह प्रसाद गुरु को संबर्धित करिवार थिला। मात्र तांको अस्वस्थता जगु से आसी पारि नथिबारु तांको घर को जाय संबर्धित करायथिला। श्री प्रसाद पांड्या स्मृति कमिटी बलांगीर तरफ आयोजित एही कार्यक्रम रे नाट्यभूषण जगदानंद छुरिया सभापतित्व करथिले। स्मृति कमिटी तरफ राजेन्द्र विश्वविद्यालय अवसर प्राप्त पीजी काउंसिल अध्यक्ष प्रोफेसर रविशंकर पांड्या आलोचनार विषय संपर्क में विशेष मत उपस्थापन करथिले। स्वर्गत श्री प्रसाद पांड्या ज्येष्ठ पुत्र सुशील कुमार पांड्या मंचासीन होइथिले। स्मृति कमिटी सदस्य सांबादिक वीरेन्द्र कुमार झांकर संयोजन अनुष्ठित ही जयंती समारोह और आलोचना चक्र शेष में संदीप कुमार कुंवर धन्यवाद अर्पण करते गौरवमय समाज निर्माण करने दरकार उपादान दरकार कौन शिक्षा संस्कार सामाजिक सचेतनता सांस्कृतिक विकास अर्थनैतिक एवं राजनैतिक विकास विज्ञान गवेषणा परिवेश सुंदर परिवेश एवं सबुठ बेसी गोटे निरपेक्ष राष्ट्रवादी संचार पद्धति गणमाध्यम आवश्यक। दोनों में आकाश और पाताल का अंतर है जिस पर कोई बुद्धिजीवी आजकल विचार नहीं कर रहा है और इसीलिए सबका जीवन असंतुलित अव्यवस्थित शोक भय रोग और दुख से भरा हुआ है। मानसिक स्थिति अर्थात आज का जो वैश्विक समाज है उसकी मनोदशा क्या है और आध्यात्मिकता उसके इस वैश्विक सोसाइटी में आध्यात्मिकता का क्या स्थान होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज रवि पांड्या जी ने संन्यास सन्यासी और अध्यात्मवादियों को अपने भाषण में अत्यंत महत्व दिया है और मैं सोचता हूं जिस दिन बुद्धिजीवी लोग कवि लोग पत्रकार लोग भारत के आध्यात्मिक पुरुषों को महत्व देंगे मैं गारंटी देता हूं विश्व हिंदू बदल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से आज ये बुद्धिजीवी अध्यात्मवादियों को महत्व नहीं दे रहे हैं। आज 27 फेब्रुआरी रे चलित वर्ष पई जातीय पल्स पोलियो अभियान ओ बलांगीर जिला स्थित सहरांचल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शास्त्री नगर ठारे गोटे शिशु उद्यान को बलांगीर जिलापाल श्रीयुक्त चंचल राणा उद्घाटन करिसंती। बलांगीर जिलार अग्रणी अनुष्ठान नेशनल पीस यूनिशन आनुकूल्य परिचालित तथा ओडिशा सरकारक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जातीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा अवस्थापित सहरांचल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शास्त्री नगर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिलार मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्नेहलता साहू अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थिले। परे जिलापाल स्वास्थ्य केन्द्र मध्यरे एक छोटो शिशु उद्यान को उद्घाटन करि एहाकु आहुरी सुंदर कराइबा संगे सहरांचल स्वास्थ्य केन्द्र सर्वांगीन उन्नति सकाशे निर्देशक श्री सत्यरंजन मिश्रक सहित आलोचना करथिले। कार्यक्रम को सुंदर परिचालन पे पीस यूनिशन चेयरमैन श्री रविरंजन पुजारी सभी को धन्यवाद जणाइथिले।
ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମେଘ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁତାପର ନିଆଁରେ ଜଳିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼େ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ଲୋକମାନେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଜୀବନ ଚାରିଦିନର ଅଟେ, ଏହାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥା ସହଯୋଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଜେଲରେ ଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇ ଜିନ୍ଦଗି ନା ମିଲେ କି ଦୁବାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସହଯୋଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସଭାପତି ଅନିଲ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଂଗଠିତ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣକୁ ଶ୍ରୀ ଆର୍ତତ୍ରାଣ ପାଢ଼ୀ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାର ଅଧୀନରେ ଥିବା କଏଦୀମାନଙ୍କ ଏହି ଜୀବନକୁ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଭୁଲକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଜଣେ ଭଲ ନାଗରିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦିଆ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁତାପର ଲୁହ ଏବଂ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଆଶା ଦେଖାଗଲା ଏବଂ କିଛି ବନ୍ଦୀ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମାଜସେବୀ ପିୟୁଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାରିକ, ଜେଲର ସସ୍ମିତା ଅଞ୍ଜନା ଲାକ୍ରା, ରାମାବତାର ଅଗ୍ରୱାଲ, କ୍ରିଷ୍ଣା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ପଞ୍ଚନନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ରହିଥିଲା। ସହଯୋଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସମ୍ପାଦକ ପିଙ୍କି ମୋଦି ସଂଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦର ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବର। ଆମ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବର କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ଲେଖାଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇବାକୁ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆମ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବର ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ ବକ୍ସରେ। We'll be right back.